नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडप्रोटेक में। दोस्तों, आज ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूं जिनको कि पैसिव इनकम चाहिए। जी हां, स्टॉक मार्केट में भी पैसिव इनकम आप बना सकते हैं, या फिर ये वीडियो उनके लिए जो सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनको एक सेफ इन्वेस्टमेंट हो, ईयरली 20% रिटर्न आ जाए तो बहुत है, ये उनके लिए वीडियो है। या फिर आपके पास आइडल कैश पड़ा हुआ, आप किसी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन अभी मार्केट हाई पर चल रहा है, आप चाहते हैं कि मार्केट नीचे आए तो मैं पैसे लगाऊं, तो उतने दिनों के लिए अपने आइडल मनी को कहाँ रखेंगे? एक तो ऑप्शन है डेट मार्केट, तो डेट फंड में भी आप रख सकते हैं, लेकिन उससे भी अच्छा मैं बता रहा हूँ, डेट फंड में आपको बहुत ही कम रिटर्न आता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा इन्वेस्टमेंट बताने जा रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में एक ऐसा इन्वेस्टमेंट बताने जा रहा हूँ जो कि बिल्कुल सेफ है और एक कंसिस्टेंट रिटर्न देगी, ऑलमोस्ट 20% आपको एवरी ईयर मिलेगी। तो वहाँ पर अपने आइडल मनी को भी रख सकते हैं, या अगर आप पैसिव इनकम चाहते हैं तो आप इससे स्टॉक में पैसे डाल सकते हैं। पैसिव इनकम वो इनकम है जो आपको काम नहीं करने के बाद भी आपको मंथली रिटर्न मिलता है, जैसे कि आप घर बना करके उसे रेंट पर डाल दीजिए तो आपको एक रेंटल इनकम आएगा। लेकिन इसी तरह से मैं स्टॉक मार्केट में बताने जा रहा हूँ, कुछ ऐसे स्टॉक्स बताऊँगा जो कि कंसिस्टेंट आपको 20% एनुअल रिटर्न देगी। जी हाँ, मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, लेकिन आपको मार्केट अगर क्रैश भी होता है, नीचे भी आता है, तब भी ये क्रैश नहीं होता है। एक तो ऐसे स्टॉक्स के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ जिसमें आपको कंसिस्टेंट ऑलमोस्ट 20% रिटर्न आपको एवरी ईयर मिलेगा, और मार्केट नीचे जाए तब भी आपको इतना रिटर्न मिल जाएगा। तो आज जो मैं फंड बताने जा रहा हूँ, एक्चुअली ये फंड नहीं है, ये एक स्टॉक्स है, और इस स्टॉक्स का नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट फंड है ये। मैं इसका नाम फंड बोल रहा हूँ लेकिन एक्चुअली म्यूचुअल फंड नहीं है, एक स्टॉक्स है। तो ये क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट क्या होती है? इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट वो होती है जो आपके पैसे को, आपके इन्वेस्टमेंट को वो कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करती है, और कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के बाद वहाँ से जो कमर्शियल प्रॉपर्टी से जो रेंट आता है, जो रेंटल इनकम आता है, वो एवरी क्वार्टर आपको एज ए डिविडेंड देती है। यानी कि जो कमर्शियल प्रॉपर्टी से रेंट आया वो आपको डिविडेंड में मिल गया। अब मार्केट नीचे जाए तो कमर्शियल प्रॉपर्टी का रेंट तो कम नहीं होता है, तो आपको एक कंसिस्टेंट रिटर्न मिलेगा। मार्केट नीचे जाएगा फिर भी रेंट आपको उतना तो मिलेगा ही। तो कहने मतलब ये कि आप अपने पैसे को कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहाँ से जो रेंटल इनकम आ रहा है वो आपको एवरी क्वार्टर मिल रहा है। तो इसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट फंड है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट फंड मैंने बता दिया। तो आज मैं आपको दो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट फंड बताने जा रहा हूँ जिसमें कि अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पर क्वार्टर आपको रेंटल इनकम मिलेगा, या मतलब उनका डिविडेंड मिलेगा, और प्लस उसका जो शेयर का प्राइस है, मतलब कैपिटल एप्रिसिएशन भी होगा। तो आप सब मिला कर देखेंगे तो आपको आराम से 20% आपको पर एनम मिल जाएगा। तो कौन सा फंड है? जो पहला फंड मैं बताने जा रहा हूँ वो है IRB इनविट। IRB इनविट मतलब क्या है? वो IRB जो हाईवे बनाती है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे हाईवेज बनाती है IRB, और उस पर टोल टैक्स कलेक्ट करती है। मतलब आपका पैसा अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसे से वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, और वहाँ से जो टोल टैक्स कलेक्शन हो रहा है उससे जो फायदा आ रहा है वो आपको एज ए डिविडेंड एवरी क्वार्टर दे देगी। तो IRB इनविट में जब आप पैसे लगाएंगे, उसका शेयर प्राइस अभी चल रहा है 55-56 रुपीज, तो अगर 55 पे आप इसे लेते हैं तो जैसा कि पिछला रिकॉर्ड देखे तो एवरी क्वार्टर ये जो डिविडेंड देती है वो होती है 2.40 रुपीज। मतलब 55 रुपीज के स्टॉक्स में 2.40 रुपीज आपको डिविडेंड मिल रहा है एवरी क्वार्टर। तो 1 ईयर में देखें तो आपका हो गया 9.60 रुपीज डिविडेंड हो गया। तो 55 रुपीज इन्वेस्टमेंट पे अगर 9.80 रुपीज को आपको डिविडेंड मिल रहा है, तो अगर कैलकुलेट करें तो ये आता है मोर देन 17% पर ईयर। तो 17% रिटर्न तो आपको एज ए डिविडेंड आ गया, प्लस इसका जो शेयर प्राइस है वो 56 है अभी, तो 56 तो हमेशा नहीं रहेगा, वो बढ़ेगा। तो अगर आप मान के चलें कि 2-3 रुपये आपको साल में कैपिटल एप्रिसिएशन भी हो गया, शेयर का प्राइस भी 2-3 रुपये बढ़ गया, तो उसका रिटर्न अगर आप जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर इसका जो फाइनल रिटर्न होगा वो मोर देन 20% होगा। और ये हमेशा दे रही है, हर क्वार्टर अच्छे डिविडेंड दे रही है, क्योंकि इसका जो कमर्शियल प्रॉपर्टी या जो टोल टैक्स है वो कम नहीं होता। हाँ, जब कोरोना काल में जब लॉकडाउन हुआ तो उसमें थोड़ा सा कम हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने देखा कि इसका जो शेयर प्राइस वो नीचे नहीं आता है, और ये कंसिस्टेंट डिविडेंड देती है जो कि 2.40 रुपीज के आसपास होता है। तो एक तो स्टॉक्स हो गया IRB इनविट, जिसपे कि अगर पैसे लगाते हैं तो 9.60 रुपीज तो आपको डिविडेंड से मिलेगा ईयर में, प्लस कैपिटल अप्रिसिएशन कुल मिलाकर 20% से ज़्यादा हो जाएगा, और ये बहुत ही सेफ है। अगर आप अपना आइडल मनी रखना चाहते हैं तो इस IRB इनविट के शेयर खरीद कर रख सकते हैं।
और जो मैं दूसरा स्टॉक्स बताने जा रहा हूँ वो है पावर ग्रिड का, पावर ग्रिड का इन्विट, पावर ग्रिड का इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट फंड। तो पावर ग्रिड तो ऐसे भी जाना जाता है अच्छे डिविडेंड देने के लिए, तो पावर ग्रिड का सेम तो ऐसे भी बहुत अच्छे डिविडेंड मिलते हैं। और इसी पावर ग्रिड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट फंड है वो, उसमें अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं, उसके शेयर्स आप खरीदते हैं, तो उससे जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर से जो रिटर्न आता है वो एवरी क्वार्टर आपको एज ए डिविडेंड देंगे। तो अभी जो पावर ग्रिड का इन्विट है, पावर ग्रिड इन्विट पीजी इन्विट इसका कोड है, पीजी इन्विट जो इस महीने उसने जो डिविडेंड दिया है वो है 3 रुपीज का, और उसका शेयर प्राइस अभी चल रहा है 130 रुपीज। 130 रुपीज में अगर 3 रुपीज का आपको डिविडेंड मिल रहा है तो आपको पूरे ईयर्स में 4 क्वार्टर्स में आपका हो गया 12 रुपीज का डिविडेंड हो गया। 130 रुपीज के स्टॉक्स में अगर आपको 12 रुपीज डिविडेंड मिल रहा है तो ये आता है सम अराउंड मोर देन 9%। तो 9% तो आपको डिविडेंड आ गया, और प्लस इसका जो कैपिटल एप्रिसिएशन होगा, मैंने पिछले 6 मंथ में देखा है कि 6 मंथ पहले जब मैंने पीजी इन्विट का स्टॉक्स लिया था उस समय इसका प्राइस था 118 रुपीज। तो मतलब 6 मंथ में 12 रुपीज इंक्रीज हो चुका है। तो 12 रुपीज न मान के भी अगर पूरे साल में भी अगर 12 रुपीज होता है तो आपको आराम से 10% रिटर्न वहाँ से आ जाएगा। तो मतलब कि डिविडेंड से आपको 10% रिटर्न आएगा, प्लस उसका जो कैपिटल प्राइस है, कैपिटल एप्रिसिएशन है, शेयर प्राइस है, उसमें 10 रुपीज अगर आ जाता है तो आपको मोर देन 20% रिटर्न आ जाएगा। तो ये पीजी इन्विट एंड आईआरबी इन्विट दो ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि मार्केट के उतार चढ़ाव से इसको कोई मतलब नहीं है, और आपको एक फिक्स डिविडेंड दे रही है, कैपिटल एप्रिसिएशन मिल रहा है, मतलब आप आराम से 20% रिटर्न आप पा सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा रिटर्न चाहिए, बहुत ज़्यादा मल्टीवेगा चाहिए, तब तो उसके लिए आपको मल्टीवेगा स्टॉक्स लेना होगा, लेकिन उसमें रिस्क भी होता है, मल्टीवेगा स्टॉक्स में रिस्क भी होता है कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको रिस्क बहुत ही कम है और आपका पैसा एक सेफ इन्वेस्टमेंट में है, और आपको इजिली 20% रिटर्न आपको एवरी ईयर्स मिल सकती है। तो ये दो स्टॉक्स है जिसमें कि मैंने भी इन्वेस्ट किया है, मैं 6 मंथ पहले इन्वेस्ट किया था, मैंने इसको देखा कि कितना अच्छा डिविडेंड दे रहे हैं, उसके बाद ही मैं आपको ये बता रहा हूँ। अगर आपको कम लेकिन अच्छा सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए तो ये दो स्टॉक्स बहुत ही अच्छे हैं, इसमें मेरा भी पोर्टफोलियो में है, ये दोनों स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लोगों को शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। Great tip, Tom. Hey, if you're enjoying the video, remember to like and subscribe to the channel. We bring out weekly videos, so smash that notification bell so that you know when we next bring one out. See you soon.